नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकॉन गेमिंग में। तो GT3 के लास्ट वाले एपिसोड में हम गए हुए थे डॉन के बेटे जॉय के पास और उसने हमें काफी ज्यादा खतरनाक काम दे दिया था। अब उस काम में हमें ये करना था कि हमें जो ATM वैन के अंदर जो पैसे भरने आती है उस वैन को हमें यहाँ पे चोरी करना था। अब उस वैन पे ना मतलब गोलियां वगैरह का कुछ असर नहीं होता था, सिर्फ उसमें गाड़ी के टक्कर का ही असर होता था। तो हमने जो है काफी सारी गाड़ी की टक्कर मारी उस वैन के अंदर, और उसके जो वैन के अंदर जो गार्ड्स वगैरह बैठे हुए थे वो वहाँ पे उस वैन को छोड़ के भाग गए। उसके बाद हम जो वैन को जो है गैराज के अंदर रख के आ गए थे और वो जो टास्क है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो आज से हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी बज रहे हैं लिबर्टी सिटी में सुबह के 8, और सबसे पहले तो हम अपनी जो गाड़ी है वो यहाँ पर निकाल लेते हैं क्योंकि आज भी जो है हमें वहीं पर जाना है डॉन के बेटे जॉय के पास, और उसने आज हमें किसी से मिलवाने के लिए बुलाया हुआ है अपने गैरेज में। अब मुझे अभी तक ना ये पता नहीं चला कि मतलब मैं इतने टाइम तक उसके लिए अभी काम कर रहा हूँ। एक सेकंड, आज क्या कुछ ऑरेंज डे है क्या? मतलब सारी गाड़ियाँ जो है ऑरेंज ऑरेंज कलर की हैं, वाली जो वैन थी वो तो ऑरेंज कलर की थी, बट बाकी की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें जॉय के पास तो चल लेना है, और जो जॉय है ना वो पता नहीं यहाँ पर दिन भर गैराज के अंदर क्या करता रहता है। मतलब डॉन का बेटा है, और लिबर्टी सिटी में डॉन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कितना बड़ा जो गैंगस्टर है वो होता है डॉन। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो बेटा है वो पता नहीं गैराज में शायद से अपना कोई पैशन वगैरह फॉलो कर रहा होगा। चलो, यहाँ पे बारिश को भी अभी होना था, इस ये ना देख के नहीं चलते, मतलब सामने रोड भी नहीं है तब भी वहाँ पे लेके जा रहा है अपनी गाड़ी। यहाँ से अभी हमें एक और टर्न ले लेना होगा। ये शायद से ट्रायड वाले बंदे हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जब हम उस चाइनीज मैन को मार के आए हुए थे ना तब भी यही वाले जो बंदे हैं ये उसकी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो सामने की तरफ काफ़ी सारे जो गैरेजेस हैं वो यहाँ पर तो आ गए हैं, और मेरे हिसाब से जो जॉय का जो गैरेज है वो यहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा इसका गैरेज। फटाफट से मैं अपनी जो कार है वो यहाँ पे खड़ी करके यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ पे अंदर की तरफ, और देखता हूँ कि जो जॉय है हमें आज किससे मिलवाने वाला है। मुझे पता है टोनी, और टोनी ये लो तुम्हारी कार, मैंने सुधार दी है। ओ तुम आ गए टोनी, ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। आओ क्लॉड, टोनी मिलो इससे, ये बहुत ही अच्छा बंदा है और तुम्हारे काम आ सकता है। क्लॉड ये अब्रॉड में रहता है और इसका नाम टोनी किप्रियानी है। अब सुनो, मेरे पास एक काम है जिसके लिए एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है, तो तुम बाद में मुझसे आके मिलना। क्लॉड पहले तो तुम मुझे चाइना टाउन लेके चलो, मुझे कुछ काम है वहाँ पर। वहाँ पर लॉन्ड्री लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं। जो इन्हें कार अभी अभी सुधारी है, तो जरा देख के चलाना। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो टोनी सिप्रियानी है ये शायद से जॉय का कोई फ्रेंड वगैरह लगता है मुझे। अब भैया डॉन का बेटा है तो डॉन के बेटे के तो काफी सारे जो फ्रेंड है वो यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ना मुझे चाइना टाउन में किसी लॉन्ड्री के शॉप के यहाँ पर इसको जाना है। तो यहाँ पर पता नहीं लॉन्ड्री के शॉप पर इसको क्या काम आ गया, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लॉन्ड्री की शॉप है वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि चाइना टाउन लिबर्टी सिटी में काफ़ी ज़्यादा पास में है। यहाँ से मुझे एक टर्न ले लेना होगा, और आगे की तरफ से जो लॉन्ड्री की दुकान है ना वो यहाँ पे आगे की तरफ ही है। और भाई गाड़ी भी यहाँ है, यहाँ पे मैंने ठोक दिया, मतलब ये जो है कि शायद फेवरेट गाड़ी हो सकती है और मैंने इसी को यहाँ पर ठोक दिया। चलो यहाँ पर है शायद से लॉन्ड्री वाले की दुकान, तो देख लेते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है। यहीं पर रुको और गाड़ी चालू रखना, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर की तरफ तो जा रहा है लॉन्ड्री वाले की दुकान पे। यहाँ पे काफी सारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये ट्रेड वालों की चाल है, चलो निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये गाड़ी को फोड़ डालेंगे शायद से, मतलब इतनी गोलियां मार दी उन्होंने, और यहाँ पे शायद से ये जो ट्राइड के बंदे हैं, और ट्राइड के बंदों ने यहाँ पे स्टोनी को शायद से धोखा वोखा दे दिया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब इसको गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी, और यहाँ से ना मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा क्योंकि शायद से वो जो है यहाँ पे टोनी का पीछा भी कर रहे होंगे। यहाँ से मुझे टर्न लेना था, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं जो है टर्न ले लेता हूँ। और मेरे हिसाब से अभी मुझे जो है इसको किसी होटल वगैरह में छोड़ के आना होगा, क्योंकि जो जॉय है ना उसने मुझसे यही बोला था कि इसको जो है होटल में छोड़ के आना है, तो यहाँ पर रोक देता हूँ। ट्राइड्स को ऐसा लगता है कि वो लोग ये सब करके बच जाएंगे, लगता है अब उनको दिखाना ही होगा। तुम भी चलना मेरे साथ, फिर उन्हें दिखाते हैं अपन दोनों। तुम मुझसे बाद में आके मिलना, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे काम होंगे। चलो अब बाद में मिलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो है टोनी ये अपने होटल के रूम में जा चुका है, और यहाँ पर इस टोनी ने मुझसे ये भी बोल दिया है कि मैं जो है अभी कभी भी इसके पास आ सकता हूँ कोई भी काम वगैरह लेने के लिए। यानी कि अब से जो है मैं स्टोनी से भी काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो यहाँ पर कमाने वाले हैं। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर हमें
इस जॉय की एक अच्छी सी गाड़ी मिल गई और इस गाड़ी को जो है मैं संभाल के अपने गैरेज में रखने वाला हूँ। फटाफट से इस गाड़ी को जो है मैं रखने चलता हूँ अपने गैरेज के अंदर, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गई है आगे से, जैसा कि आप देख सकते हैं। उन ट्राइड वालों बंदों ने यहाँ पे इस गाड़ी पे गोली चला चला के इसकी पूरी हालत जो है पूरी पतली कर दी। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्टकट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्टकट तो नहीं है, बट यहाँ पे स्टंट मारने की जगह है। चलो, यहाँ से मुझे रास्ता तो मिल गया है, तो यहाँ पर तो मैं चल लेता हूँ। आगे की तरफ से है क्या मेरा घर? ठीक है, तो मेरा जो घर है वो यहाँ पे आगे की तरफ से है, तो मैं यहाँ से एक और टर्न ले लेता हूँ और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने गैरेज के अंदर। मतलब ये वाला जो घर है ना, ये तो मुझे ल्यूजी ने गिफ्ट किया हुआ था स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पर इस गैरेज के अंदर इस गाड़ी को यहाँ पर रख देता हूँ और फिर ये जो गाड़ी है यहाँ पर रिपेयर हो जाएगी। मेरे हिसाब से रिपेयर तो हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है और इस गाड़ी को मैं अभी जॉय को वापस नहीं देने वाला हूँ। इस गाड़ी को जो है अब से हम रखने वाले हैं। तो अगर आपको जो GT3 का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, ये जो टोनी है ना, ये आपको थोड़ा मोटा नहीं लगता? मेरे हिसाब से इसके जो पेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, शायद से होटल का खाना खा के। न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।